technique. अरे रुक, ये रिक्शा वाला के थाना ले जाके इतना मार की एकर हड्डी के साथ साथ ही घर की तरफ देखेगा, एकर हौसला भी टूट जाए। ले जाओ एक राखे। चल। ए, तोर इतना हिम्मत कि ये लोगन के सामने हमारा इज्जत के तमाशा बना दिलू तू? वो हमार बचपन के प्यार है वे पापा। इतना दिन बाद मिलल कि हमके कुछ होश ना रहल। तू घटिया आदमी से तोहार रिश्ता ना हो सकेला। भूल जाओ ओकरा के। हम ओके कैसे भूला जाए चाचा जी, जे के देख के हम ही सारा दुनिया भूला गई नी। राधा चुप हो जा। हे गजेंद्र, एकरा के हमरा सामने से ले जा। हाँ। ले जा हमरा सामने। हाँ। से ना तो हम भूल जाए कि हमार बेटी है। चल 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 यहाँ से। का चुम्मा रहे तुहरा बहिन के चुम्मा मिलला के बाद तो तुहार मार भी उपहार लगा। अरे सही कहता नहीं, तुहरा बहिन के जोड़ा पूरा यूपी बिहार में क्यों नहीं के। अरे तुहरा बहिन के वोट के अर्थिंग जब से सटल बा पूरा देह में गुदगुदी होता। रुका कैलाश, कहाँ मारता रहे करके, का गुनाह भाई कर? साहब, ई रिक्शा वाला थानेदार साहब के बहिन के चुम्मा ले लेवा। अरे वाह कमाल बा, एगो रिक्शा वाला ऊ रहे जे कि विधायक के बहिन के चुम्मा ले ले रहे, आ दूसरा रिक्शा वाला ई बा जे थानेदारे के बहिन के चुम्मा ले लेलस। तुहार चेहरा कुछ पहचानल लगता, का नाम है तोरे बाप का? निरहुआ। निरहुआ? अच्छा, रहुआ का बेटा बड़ा। समझ में आ गई हमरा के तुहार सारा कहानी है। आई चुम्मा लेवे के बीमारी तुहार खानदानी है। अरे सर ये झूठ बोलता नहीं, हम इनके बहन के चुम्मा नहीं खिले ले, इनकर बहनी है हमार चुम्मा ले ले भैया। तब तो मामला बड़ा पेचीदा बा कैलाश, तुहरा बहन से पूछताछ करे के पड़ी, उनका के थाना बुलावा। हमरा खानदान के औरत थाना में ना आवेली डीएसपी साहब। अच्छा, तुहरा घर के औरत थाने में ना आवेली, आ एगो रिक्शा वाला के चुम्मा ले ली। तुहार बहिन थाने में ना सकेली, तब पुलिस तुहरा घरे जाई आ जाके उनका से पूछताछ करी। होश में रहा डीएसपी, पुलिस के ही मजाल कि हमरा घर में कदम रखे। देखा गजेंद्र बाबू, इंक्वायरी में अगर टांग रही बा तो मामला कोर्ट में जाई, आ वहां सरकारी वकील तुहरा भतीजी से पूछी कहां चुम्मा लेलस, कैसे चुम्मा लेलस, कितना चुम्मा लेलस, इसे तुहरा खानदान का अकड़ ढीली हो जाई। डीएसपी साहब आयल बाड़े इंक्वायरी करेला, भाभी एकरा के अच्छा से समझा दा कि ओहनी के सामने अगर अपन जुबान खोललस तो हम एकर गर्दन काट दे। काहे कि एकरा जान से ज्यादा हमनी के अपन आन बान और शान के परवाह करीला, समझ लो। देखा राधा, ये लोग का कहना बा कि रिक्शा वाला तुहरा के चुमा ले ले बा, आ रिक्शा वाला कह रहा बा कि तू ही अगर चुमा ले ले बाड़ू, का हकीकत बा साफ साफ बताओ? तुहरा छुप रहला से एगो गरीब रिक्शा वाला फंस जाई, ये लोग एक जेल में डाल के सड़ा दे, साफ साफ बताओ। सर, अब तो आपके जवाब मिल गए, एकदम मिल गए। राधा, तू इतना बेशरम होखबू, हम सोच भी न सकत रहनी। माफ करी चाचा जी, रहुआ कहले रहनी कि हम कुछ बोलब तो हमार गर्दन काट लेब, यही से हम कुछ बोलनी ना। चल भैया। जा बाबू रिक्शा वाला, जा, तू निर्दोष बड़ा। जी शुक्रिया साहब। अब तो तोर जान जाई रे रिक्शा वाला। लागत है मंत्री जी तू कबो मोहब्बत नहीं खकेले, ना तो तोरा की चुम्मा की कीमत मालूम रही।
अपना महबूबा के एक दिन में दो दो बार चुम्मा मिल गए। अरे अब तो जानो जाई तो कोनो चिंता नहीं के। हम तो जात बनी लेकिन एगो बात हमार कान खोल के सुन लिया। ये रिक्शा वाला के गरीब जान के करा तरफ आंख उठा के भी देखला तो हमसे बुरा कोई ना होई। बुरा वक्त अब तुहारा गेल डीएसपी, जाके अपन कफन के नाप ले ले, कहे कि अब तुर वर्दी उतरे के टाइम आ गए बा। 30 साल के नौकरी में तू पहला नेता नहीं खा जे हमरा के धमकी देत बड़ा। अहम वह है गोली पहले मारीला, रिपोर्ट बाद में लिखीला। तोहरा मतिन कितना लोग आई, केहू से कुछ ना उखड़ल, आ तोहू के जोन उखाड़े के हुई उखाड़ लिया जा। भैया तनी तू याद करा, आज से 14 साल पहले जौना रिक्शा वाला के हमनी मरले रहनी जा, रिक्शा वाला वही के बेटा लगता। तबे तो हम सोचत रहनी कि रिक्शा वाला और ऊ बुढ़िया के हम कहां देखले रहनी। यूहे सपोला है जे की सला जिंदा बच गेल रहे। तू फिकर मत करा पापा, ये सपोला के फंता हम कुचल देब। ना बेटा ना, एकरा से पहले ऊ डीएसपी के कुछ व्यवस्था करे के पड़ी। गजेंद्र। हाँ भैया। होम मिनिस्टर के फोन लगा। लगावा तनी। हेलो गजेंद्र बाबू, का हाल हो? भैया सर से बात कल चाहता रहे। पार्टी चल रहा बा, यहाँ आई बात हो जाए। चाहे जो भी हो वो डीएसपी के रास्ता से हटा देगा बा। का मंत्री जी सब ठीक ठाक बा ना? का ठीक बा यार, सुने में आई ला कि एगो रिक्शा वाला मंत्री जी के नींद हराम कर देले बा। रुका रुका वीरेंद्र बाबू, एगो रिक्शा वाला तोहरा बेटी के चुम्मा लिहल, ये सही बात ना का? नहीं यार, रिक्शा वाला ना, एकर बेटी रिक्शा वाला के चुम्मा ले ले ले। नौ कटा देलस। जरा सुनी। अरे आवा वीरेंद्र भाई, आवा बैठा बैठा आवा। क्या बात बा? अरे वैसे कुछ बहुत जरूरी बात करे के बा। अच्छा, तनी बगल में आई। क्या बात है बोला? वो चुम्मा वाला लफड़ा बा का? तू एगो रिक्शा वाला के नहीं निपटा सकेला? नहीं मंत्री जी, वो रिक्शा वाला के तो हम संभाल लेती, मगर बीच में वो सरवा डीएसपी आ गेल, ओकर वर्दी उतारे के कौनो इंतजाम करी। ये कौन बड़ बात है, नाम बोला डीएसपी के? विजय लाल यादव। अरे यार तू केकरा से पंगा ले लेला, ओकर हम का मुख्यमंत्री भी कुछ ना बिगाड़ सकेलन काहे? अरे यार ऊ जो डीएसपी बना उ मुख्यमंत्री के साला हवे, ओकरा सामने तो मुख्यमंत्री के भी ना चलेला। क्या परेशानी है? बहुत बड़ परेशानी बा डॉक्टर साहब, इनकर परेशानी की वजह से हमनी दोनों की शादी नहीं हो। अच्छा, गुप्त रोग है? हाँ गुप्त रोग समझ ली। क्या लक्षण है? इनकरा के जैसे ही टच करी ले इनकर फड़ा हो जाला। हुँ? क्या मजाक कर रही हो? अरे मजाक ना करे तनी, अगर विश्वास नहीं के हो तो अभी दिखा देता नी। यहाँ दिखाओगी? हाँ एजे दिखा देता नी। नहीं नहीं, अंदर चल के दिखाओ। चलो काहे एजा दिखावे में का हर्ज बा? अरे इतने मरीज बैठे तुमको समझ नहीं आता, यहाँ दिखाओगी इनके सामने? इन लोग देख ली तो का हो जाए? अरे बड़ी बेशरम लड़की हो तुम, तुमको समझ में नहीं आती कोई बात? दिखाओ दिखाओ चलो। ये बीमारी बा डॉक्टर साहब, कोनो लड़की के छुएते इनका टिकी खड़ा हो जाला। अरे इस बीमारी का तो हम नाम ही नहीं सुने, और इस बीमारी का इलाज हम तो क्या बाबा रामदेव भी नहीं कर सकते। मेरे को माफ करो, तुम लोग जाओ यहाँ से, इसका इलाज नहीं हो सकता। गजब चस्का ओ गजब चस्का तू हमके लगा।
दी हलू जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू गजब चस्का तू हमके लगा दी हलू गजब चस्का तू हमके लगा दी हलू जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू जब से उठवा के अर्थिंग छुआ दी हलू सजनिया तो के कोरा आव ले ली है सजनिया तो के कोरा आवा बाटे हाई वोल्टेज के तो हरी जवानी पावर हाउस पूरा तू भइल बाड़ू रानी एने सुना ए बाटे हाई वोल्टेज के तो हरी जवानी पावर हाउस पूरा तू भइल बाड़ू रानी भइल बाड़ू रानी राधा से मिले के बगेट खोला ना अरे ये गर्ल्स हॉस्टल हाओ चल भाग यहां से अरे उनके बुलावा वो हमके पहचाने ली अरे तोहरा जैसन बहुत देखले बानी चल भाग यहां से हमके काहे मारत तारू तू हमरा के पत्थर काहे मारला हम ना ई मारला सा अरे तू हां हम तू यहां का बड़ा। राधा से मिले के बाद कुछ जुगाड़ लगावा ना राधा अब तोरा से ना मिल सकेली कहे उनका पढ़ाई लिखाई छोड़ा दिया गेल बा उ घर में कैद बड़ी अरे तो उनका नंबर होई ना हाँ बाना ए हाँ क्या हो रहा है वहाँ ओ एक्चुअली मैम चलो अपने रूम में जी मैम Thank you.
बढ़िया रहा, बहुत ज्यादा मजा आई। हेलो। हाँ राधा, हम बोला था निरहुआ। हाँ कंचन बोला। कंचन? अरे कंचन ना, निरहुआ बोला था नी। अरे हाँ हाँ, हम जानता नहीं। हमार पापा हमार पढ़ाई छुड़ा दिए ले, बहुत जालिम बाटे हमार पापा। अरे अब का बताएं, हमरा माई के भी हम पे तरस नहीं खियावत, दिन भर हमरा पे नजर रखत आ रही। हे भगवान, केहू के भी ऐसन माई मत दी हो। अब हमार दुगो भाई बाड़े, छोटका भैया पहलवान बाड़े, उनकर देहिया जैसन उनकर बुद्धियो भी मोट बा, जान करेले उल्टे करेले। हमके तो लागेला कि उनकर दिमाग सिर में ना घुटना में बा। और बड़का भैया वो पुलिस में बाड़े, कुत्तन के साथ रह रह के कुत्ता जैसे एने ओने सोंगत रहेले, हमरे हर बात पे शक करेले। तो के हमार नंबर के देहलस? अरे तोरा एगो सहेली से मिल गई। आदित्य, तू हमरा से कितना प्यार करेला? बस एकरे से अंदाजा लगा ला, बचपन से लेके आज तक बस तोहरे इंतजार करत रही। तो हम ही कहां भुला गई नी तोहरा के, बचपन से तहार मूरत अपना मन मंदिर में बैठवले बानी। राधा, लगत हमनी के मोहब्बत बड़ी इम्तिहान ली। हम हर इम्तिहान दे आदित्य, तोहरा खातिर हम पूरा दुनिया से टकरा जाएब। I love you. रतिया भर उल्लू नियर जागता, दिनवा भर कुकुर नियर भोकता, ये पगल आ गइल बा का? आदित्य। राधा। आदित्य। राधा। आदित्य। फोन से दिल नहीं के भर, मन तो करता कि उड़ के तोहरा सामने आ जाई। ना 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 ना, मत ही हमरा सामने अभी। अगर ये घड़ी तू सामने आ गेलू ना, तो हम ऐसन कह देब, ऐसन कह देब। का कह देब? तो के अपने बाह में भर के इतना कस के चुम्मा लेब ना कि तुहार मुहवा लाल हो जाई। हेलो है राधा, कहा बैलो? अच्छा, चुम्मा के नाम सुन के तुहार आवाज भारी हो गई, मूड बन गेल का? हमार मूड तो ऐसन बन गइल बा कि ते जहां मिलबे उहे काट दे। अरे लगता ससुर बने। ससुर जी, का बात बा? आजकल नेतागिरी छोड़ के बेटी के पहरेदारी करे लगनी का? तो जाना तानी केतनो पहरेदारी कर ली, हमनी के मिलन तो हो के रही। ई जन्म में मिलन तो दूर, तू राधा के परछाई भी ना देख सकेले। ठीक बा, आजे हम तारा घरे आके तारा बेटी के अंगूठी पहना के छकैया कर देता नी। तेरी तो, अरे तेरी तो ना, दमाद कह, दमाद। हेलो हेलो हेलो, का भइल पापा? ओ रिक्शा वाला हमरा के चैलेंज कइले बा कि घरे में आके राधा के अंगूठी पहनाई। तू चिंता मत करा पापा, घर में पहरा बा, ओ कहां से आ जाई? वो रिक्शा वाला के कोनो भरोसा नहीं खे, घर पे और पुलिस बुलवा ला। जी चाचा जी। खोला। चाचा अब देखा था नी कैसे आवेला, सार बड़ा हवा में उड़ा था। चुप,
कैसे आई बा? हम सोचले ना रानी। लागत तो केहू आवता। अरे सुनी मैं जल्दी का भइल राधा बिटिया, काहे चिल्लाता रहू? ओ पापा, हम भूत के कहानी पढ़त रानी, एही से डरा गई। हम तो सोच रही कि का सोचनी है पापा। हां हां, अरे सर मुतास लागत बा, जो धले रो गया कि तू पढ़ा पढ़ा कुछ ना कुछ, तू पढ़ा पढ़ा। के रहा है ला पापा? तू दोनों जनी ऊपर जा। जी जी। Wow, wow, wow.